हेलो मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह, आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हम में हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मित्रों आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को एक इस मुद्दे में जारी किए होंगे। तो दोस्तों आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे शिक्षा क्या है, शिक्षा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय शिक्षा प्रारंभिक समय में कैसी रही, वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आज मदर्स डे है, तो मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मदर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी तरफ से और हमारे सुधाकर सिंह एजुकेशन हब परिवार की तरफ से मदर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय शिक्षा वर्तमान समय में क्या है और प्रारंभिक समय में क्या रही। तो व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, तो शिक्षा पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं शिक्षा, शिक्षा जो है एजुकेशन क्या है। तो अगर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन यह जो चैप्टर है यह अगर आप बात करें यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और भारत के अंदर किसी भी राज्य में अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों एजुकेशन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन शब्द की अगर हम बात करें, एजुकेशन शब्द जो है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो एजुकेशन है वह किस भाषा का शब्द है। तो एजुकेशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है और यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ई धन डूको, ई धन डूको शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्रमशः होता है अंदर से बाहर लाना। क्या होता है? अंदर से बाहर लाना। कोई भी चीज अगर अंदर है उसको क्या करना है, बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा के ऊपर कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने, शिक्षा शास्त्री हुए जिन्होंने कई सारी परिभाषाएं दी हैं, उन सभी परिभाषाओं को हमने यहाँ पर जो समायोजित करने की कोशिश की है। तो अगर बात करें जैसे शिक्षा की, तो बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा है। बालक के अंदर अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनको बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा है। पूछा जाए कि शिक्षा क्या है, तो बालक के अंदर निहित अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा है मित्रों। और अगर विद्या की बात करें, जैसे विद्या शब्द जो है यह क्या, विद्या शब्द संस्कृत की, जो विद्या शब्द है यह संस्कृत की विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज, जानकारी। पूछा जाता है कि विद्या शब्द संस्कृत की किस धातु से मिलकर के बना है, तो विद्या शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। और प्लेटो महोदय ने क्या कहा है, प्लेटो महोदय ने कहा है कि अज्ञानता ही समस्त विपत्तियों का क्या है, मूल कारण है। अज्ञानता ही समस्त विपत्तियों का क्या है, मूल कारण है। किसने कहा है यह, जो बात कही है यह प्लेटो महोदय ने कहा है कि अज्ञानता ही समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने से अच्छा है कि जन्म ही ना लो। किसने कहा है, प्लेटो महोदय ने कहा है। क्या कहा है कि अज्ञानी रहने से अच्छा है कि जन्म ही ना लो। और आरंभिक शिक्षा के दो प्रमुख अंगों में शिक्षक मुख्य होता था और शिक्षार्थी गौड़ होता था। जब आरंभ में जब शिक्षा प्रारंभ की गई थी उस समय क्या था, जो मुख्य कौन होता था, मुख्य शिक्षक होता था और जो शिक्षार्थी होता था वह कैसा होता था, गौड़ होता था। जो भी काम करता था वह शिक्षक ही करता था और जो बालक होते थे वह क्या करते थे, सिर्फ उन चीज़ों को सुनते थे, मनन करते थे। अरस्तु महोदय ने क्या कहा है, अरस्तु महोदय ने कहा है शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अरस्तु महोदय ने क्या कहा है, अरस्तु महोदय ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। व्यक्ति जो है जन्म से लेकर के जब तक वह
उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है। बात इतनी समझ में आई होगी मित्रों आपको। और उसके बाद शिक्षा के प्रकार की अगर हम लोग बात करें, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार से दी जाती है, तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा तीन प्रकार से दी जाती है। नंबर एक औपचारिक शिक्षा, नंबर एक औपचारिक शिक्षा, नंबर दो अनौपचारिक शिक्षा, और नंबर तीन दूरस्थ शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा। अगर औपचारिक अगर शिक्षा की हम बात करें, औपचारिक शिक्षा में क्या होता था, औपचारिक शिक्षा जो होती थी वह नियम व शर्तों वाली शिक्षा होती थी। इसमें बालक के ऊपर नियम बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, उस नियम के अनुसार जो औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर अनुशासन वाली शिक्षा जो होती थी वह औपचारिक शिक्षा होती थी। यहाँ पर किताबी ज्ञान ज़्यादा दिया जाता था। कैसा ज्ञान? किताबी ज्ञान ज़्यादा दिया जाता था। और यह कैसी शिक्षा थी? यह आडंबर वाली शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी? आडंबर वाली शिक्षा, दिखावे वाली शिक्षा थी। यह कौन सी शिक्षा थी? यह औपचारिक शिक्षा थी। कैसी थी? औपचारिक शिक्षा। और अब अगर हम बात करें नंबर दो अनौपचारिक शिक्षा की, अनौपचारिक शिक्षा जो थी यह शिक्षा जो थी फ्री लिविंग एजुकेशन। कैसी थी? फ्री लिविंग एजुकेशन, बिना दबाव के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर जो अनौपचारिक शिक्षा में क्या था, यहाँ पर सबको साक्षर बनाया जाता था, सबको पढ़ा लिखा बनाया जाता था। तो शिक्षा बिना दबाव के थी। पूछा गया है कि बिना दबाव के शिक्षा कौन सी थी, तो बिना दबाव के जो शिक्षा थी वह अनौपचारिक शिक्षा थी। अगर दूरस्थ शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा की बात करें, इस पर क्या होगा, यह शिक्षण संस्थान से दूर रह करके शिक्षा दी जाती थी। इसका माध्यम जो होता था, उसका माध्यम टीवी था, मोबाइल, लैपटॉप के माध्यम से आप दूरस्थ शिक्षा ले सकते हैं। और यह बहुआयामी शिक्षा थी, या यह बिना शुल्क के शिक्षा थी, निःशुल्क शिक्षा थी। और एक चीज़ और, शेक्सपियर महोदय ने क्या कहा है, शेक्सपियर महोदय ने एक बात कही है, तो क्या बात कही है, उन्होंने कहा है कि ज्ञान ही स्वर्ग तक उड़ान में पंखों का आधार है। किसने कहा है? यह शेक्सपियर महोदय ने कहा है। क्या कहा है? कि ज्ञान ही स्वर्ग तक उड़ान में पंखों का आधार है। यह पूछा गया है किसने कहा है, तो किसको बताना है, शेक्सपियर महोदय ने कहा है। और प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, तो प्रारंभिक शिक्षा कैसे कैसे दी जाती थी, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा जो सबसे पहले दी जाती थी वह वैदिक कालीन शिक्षा थी। कौन सी थी? प्रारंभिक शिक्षा सर्वप्रथम दी गई, तो कौन सी दी गई? वैदिक कालीन शिक्षा थी। नंबर दो अगर हम बात करें, नंबर दो बौद्धकालीन शिक्षा थी। उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा दी गई, उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा की बात भी हम करेंगे, और नंबर चार आधुनिक शिक्षा की भी हम बात करेंगे। बारी बारी से इन सभी शिक्षाओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा सर्वप्रथम कैसे दी जाती थी? सर्वप्रथम वैदिककालीन शिक्षा थी, जो वेदों पर पूरी तरीके से आधारित थी। और यहाँ पर संस्कृत में जो है शिक्षा दी जाती थी। कैसे? पूछा गया है कि वेदों पर कौन सी शिक्षा आधारित थी, तो वेदों पर जो है वैदिक कालीन शिक्षा आधारित थी। तो मित्रों इन सभी चारों शिक्षाओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बारी बारी से एक एक वीडियो बनाएंगे, और आप तक हम जो है इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको यह शिक्षा का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों बारी बारी से हम लोग लगातार यूं ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।